हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब ठीक ठाक होगे। तो स्वागत आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई हमने जान की तैयारी कर रखी है। जान की तैयारी नहीं कर रखी, जान लाग रहे हैं। कहाँ पर जान लाग रहे हैं वो देख लो, तो हम आगे ब्लॉग में देख दे जाओ। तो भाई हम पहुँच गए हैं, पहुँचे हम कहाँ पर है वो देख दे जाइयो। वो लोग पूरा देखना था हमने। तो भाई चुलकाना धाम है जो श्याम बाबा का मंदिर, वहाँ पर गए थे। तो भीड़ काफ़ी थी, काफ़ी रश था वहाँ पे। और एक नंबर का भाई, मतलब ऐसे धार्मिक स्थल पर जाकर एक नंबर का मजा आवे है। काफ़ी अच्छा लग गया है। तो भी मेरे 2-3 दिन हुए ब्लॉग बन रहा था, शायद हम इतवार न गए थे खाटू श्याम पे, जो कि चुलकाना में धाम है इनका, श्याम बाबा का। तो और ब्लॉग की एडिटिंग भाई मैं सोमवार में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बना तो लिया था, तो इसकी एडिटिंग नहीं हो रही थी। ये तो ये पता नहीं मतलब कब डाल अपलोड करूँगी, जब भी फोन में नेट होगा, जब अपलोड करा जाओगा। तो भी मैं यहाँ पर जानती रहा करूँ, महीने में एक बार भी चली जाऊँ भाई, हो सके 2 महीने में भी जाया जाए। जब भी मेरा किसी मतलब कोई फ्रेंड हो उसके साथ जाना का मतलब तुक्का हलाक है, तो मैं जानती रहा करूँ। मन में शांति मिला भाई। आजकल वैसे कितनी शांति रह नहीं रही, और थोड़ा बहुत ये एक आधी वैसी जगह जाकर मन भाई काफ़ी मतलब शांत हो, अच्छा फील हो, मतलब कि पॉजिटिव वाइब आवे है। तो सुरक्षा के काफ़ी बढ़िया वो इंतज़ाम हो, देख लो लाइन कितनी लंबी थी। और ये इसी सी लाइन, तो मतलब ये गेट नंबर 3 था, गेट नंबर 2 का अन्य भी घनी भीड़ रवे है। इसके शायद 3 गेट हैं, हाँ 2 या का तो भी माना भी बेरा है। 2 गेट हम तो देख लो, इतनी लंबी लंबी लाइन है, तो ये चल दिए रवे हैं। ये नहीं एक दिन में बंद हो जाए, ये पहले दिन भाई ग्यास थी, ग्यास वाले दिन भी इतनी भीड़ थी, पूरा दिन इतनी भीड़ रही। और फिर उसके बाद जो आले दिन के बाद हम द्वादशी मतलब दवैस न गए थे, तो उस दिन भी इतनी भीड़ थी। तो भीड़ है रही है, रवे कम होती नहीं, लगभग या भीड़ हर दिन रवे है, थोड़ी बहुत कम बेशक हो जो। और इतवार वाले दिन तो भी मतलब संडे वाले दिन तो टूरिस्ट भी आवे हैं बाहर ते, बहुत बढ़िया पैलेस बना रखे आप तो। और इस गांव का तो नाम कति चमका दिया श्याम बाबा ने, आज तो 15 साल पहले तो भी इतना मतलब वो नहीं था, अब 4-5 साल हुए तो चोखा इसका हो रहा है, पब्लिक घनी आव जावे है। तो पब्लिक चोखी रही रवे है इस टाइम पे। तो टाइम लगा तो भी जरूर जाना चाहिए, जिसा जिसके दौर टाइम हो चले जाया करो। नज़दीक वाली जगह तो देखो जाना चाहिए। कई बार मैं भी काम के चक्कर में सोचूं कोने भी काम है तो कोने जाया जाओ, फिर जब श्याम बाबा बुला रहे हो तो भाई जरूर जाया जाओ। बस कितना ही काम हो का जगह में जाना हो ना, जिंग नसीब में हो जाना तो काम हो चाहे कुछ हो तो जाया ही जावे है। भीड़ भी घनी थी, मतलब कई बार तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाए कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ जाए है। तो इस दिन भी हम लगभग 1 घंटा तुम्हारे लग के गया था लाइन में, नहीं तो कई कई घंटे।
रास्ते में ये श्रद्धालु हैं जो मतलब बेजिन की मतलब भक्ति में घनी भावना हो पैदल भी जान लाग रही थी और पैदल जाने वाले पागे पी सुमन के गांव के, तो सुमन देख कर घनी खुश होई, तो भी ब्लॉग की सा लग गया जरूर बता दियो।